गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स की। इसकी बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं, मैं एक सेकंड बुक निकाल लेता हूँ। इधर देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नोट करना है। पहले क्या नोट करना है आपको? क्वेश्चन नोट करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर उसका आंसर आपको यहाँ देखना है, ठीक है ना। इसकी कोई पीडीएफ आप पहले से जानते हैं नहीं मिलेगी न्यूमेरिकल की। इधर देखना, एग्जाम्पल नंबर है 8.7। इधर देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ क्रोमियम की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काइम। और ये पेज नंबर है 187। चुंबकीय प्रवृत्ति काइम होती है, वो दे रखी है 2.7 × 10⁻¹⁴। इसकी निरपेक्षता आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता पूछ रहा है। निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता म्यू और आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर, ये तो पूछता है। अब आप देखिए कैसे निकलेगी, चूंकि मैं जानता हूं म्यू तो कैसे निकलेगा, म्यू बराबर होता है म्यू नॉट 1 + 5, तो निकल जाएगा म्यू नॉट का मान 4 × 10⁻¹⁷ इंटू 1 + 5 का मान 2.7 × 10⁻¹⁴। अब भाई सवाल आपको खुद को करना पड़ेगा। ये आ रहा है 12.56 × 10⁻¹⁷ और मात्रक होता है इसका वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर या हेनरी बटे मीटर। हेनरी बटे मीटर कहाँ से आया, ये हम नवे चैप्टर में पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा। मैंने बताया भी था हेनरी बटे मीटर भी होता है या फिर वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर तो होता ही है। अब म्यू आर निकालना है, म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू आर बराबर होता है 1 + काई और ये हो जाएगा 1 + 2.7 × 10⁻¹⁴ और ये हो जाएगा 1.00027। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सोल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर है इसके बाद 8.8, पेज नंबर वही है 187 चल रहा है। आप इधर देखिए, आपका काम केवल समझने का है और यहां से नोट करने का है। समझते जाओ, नोट करते चलो। अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम की चुंबकीय प्रवृत्ति काई रखता है 2.3 × 10⁻¹⁵ और चुंबकन क्षेत्र H दे रखा है, चुंबकन क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र B होता है, चुंबकन क्षेत्र H होता है 4 × 10⁻¹⁵ एम्पियर पर मीटर। तो पदार्थ का चुंबकन ज्ञात करना है, चुंबकन I ज्ञात करना है और हम जानते हैं बच्चों आई बराबर क्या होता है, काई एच। आई बराबर क्या होता है, दिखा है, देखो दिखा है, काई एच होता है। तो काई का मान रख दिया 2.3 × 10⁻¹⁵ और एच का मान रख दिया 4 × 10⁻¹⁵। तो 23 ×46 ×98 9.8 × 10⁻¹⁰ आ गया हेनरी पर मीटर, यही आ रहा होगा 46 × 12। ये आ गया, ये प्लस का मान दे रखा है चुंबकन क्षेत्र, प्लस का मान दे रखा है तो प्लस का मान दे रखा है खत्म हो जाएगा, ये प्लस का मान दे रखा है तो ये खत्म हो जाएगा, इतना रह जाएगा, प्लस का मान दे रखा है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक एल लंबाई, लंबाई कितनी रखी है एल, पेज नंबर है 8.9 ओफरी, एग्जाम्पल नंबर है
8.9 पेज नंबर इसके अगले वाला हो गया और वो हो गया बल्क 88। इधर सुनिए क्या कह रहा है। एक एल मीटर लंबाई, लंबाई एक मीटर है, लंबाई रखी एक मीटर है, एल मीटर नहीं है, एक मीटर है। तदा एक मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक मिलीमीटर स्क्वायर है, तो यानी कि 1 × 10⁻⁶ मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ होता है, दो बार है तो 10⁻⁶ हो गया मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लोहे के तार को किसी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर रखते हैं, चुंबकन क्षेत्र एच दे रखा है, चार गुना दस की घात 3 एम्पीयर प्रति मीटर। आप पहले ढंग से क्वेश्चन को पढ़ें किताब में से फिर करें। तो तार का चुंबकीय आवरण ज्ञात करो और चुंबकशीलता दे रखी है ये म्यू 16π × 10⁵ हेनरी पर मीटर, ठीक है ना। ये दे रखा है और चुंबकीय आवरण पूछ रहा है एम, चुंबकीय आवरण एम पूछ रहा है। इधर देखिए कैसे निकलेगा, कैसे निकल सकता है। देखो एम आई बराबर होता है एम अपॉन वी, आई बराबर क्या होता है एम अपॉन वी, तो एम बराबर क्या हो जाएगा आई वी, और I बराबर क्या होता है काई एच, तो काई को भी दे रखा एच दे रखा है और V तो निकल जाएगा क्षेत्रफल इनटू लंबाई से, काई नहीं दे रखा, काई कैसे निकलेगा। म्यू बराबर होता है म्यू नॉट 1 + काई, ठीक है ना। तो यहां से काई निकलेगा, काई निकल जाएगा तो अपने आप निकल जाएगा। तो देखना मैंने कहा था क्योंकि म्यू बराबर होता है म्यू नॉट 1 + काई, यहां से म्यू अपॉन म्यू नॉट बराबर है 1 + काई, यहां से काई बराबर है म्यू अपॉन म्यू नॉट -1, यहां से काई निकलेगा 16π × 10⁵ बटे 4π × 10⁻⁷ -1, तो ये 4 बार कट गया और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 10⁷, 10⁻⁵, 10⁻² 399। काई आ गया 399, बिल्कुल सही है। और काई आ गया तो हम जानते हैं क्योंकि आई बराबर होता है एम अपॉन वी, इसलिए एम बराबर हो गया आई वी, और आई बराबर क्या होता है काई एच इंटू वी बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। अरे आई बराबर तो काई एच होता है और आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई, सारे मान लो तो रखे हैं 399 गुणा एच कितनी है 4 × 10⁻³ ए की वैल्यू 10⁻⁶ एल की वैल्यू 1, तो निकाल ले भाई इसको निकालने में क्या जा रहा है 1.596 और यह आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है चुंबकीय आवरण का, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.10, एग्जाम्पल 8.10 में कह रहा है एक 0.40 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के दंड चुंबक को, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है ए 0.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 0.40 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। दंड चुंबक को इतने चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र एच होता है और वो दे रखा है 4000 एम्पीयर पर मीटर में। आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद फिर देखें मैं क्या कर रहा हूँ, फिर नोट करें। यदि इस दंड चुंबक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है 5 × 10⁻⁵ वेबर, तो चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण बच्चे होता है बी, चुंबकीय प्रवृत्ति काई और चुंबकन आई,
की गणना करनी है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इधर देखिए कैसे निकलेगा, देखो चुंबकीय प्रेरण तो निकल जाएगा, फाई बराबर क्या होता है बी ए, कैसे रख लीजिए, ये जो अनुप्रस्थ काट के दंड चुंबक को चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र उसके लंबवत हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो फाई बराबर हम जानते हैं चुंबी, फाई बराबर क्या होता है बी ए होता है ना, अरे बी ए तो ये नहीं होता है क्या, होता है बी ए कोस थीटा होता है, लेकिन ये उसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो जो उसका क्षेत्र सदिश है उसके लंबवत हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कभी भी कोई चीज उसमें रखी जाती है तो उसका क्षेत्र सदिश उसके क्या हो जाता है लंबवत, और क्षेत्र सदिश लंबवत हो जाएगा तो थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है ना। यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई चीज रखी जाती है तो उसका जो क्षेत्र सदिश होता है ए वेक्टर, क्योंकि थीटा बी वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य बना कोण था, तो उसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है तो उसका जो ए वेक्टर होगा उसके लंबवत हो जाएगा, और लंबवत हो जाएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बी, तो यहां से बी बराबर आ जाएगा चुंबकीय प्रेरण फाई अपॉन ए, फाई की वैल्यू 5×10^-5, ए की वैल्यू 0.40×10^-4, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.25 वेबर बटे एम, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, इसकी यूनिट क्या होती है टेस्ला। अब भाई अब हमको काई निकालनी है, काई तो कब निकलेगा, म्यू बराबर म्यू नॉट 1+काई होता है, तो म्यू नॉट तो पता है म्यू आ जाए, म्यू बराबर क्या होता है बी अपॉन एच, क्या होता है, क्योंकि मैं जानता हूं म्यू बराबर होता है बी अपॉन एच, तो इधर देखिए आप म्यू बराबर बी अपॉन एच, बी की वैल्यू 1.25, एच की वैल्यू 4000, तो ये तो आ गया म्यू, वेबर बटे एमीटर इनटू मीटर, और हम जानते हैं क्योंकि म्यू बराबर म्यू नॉट 1+काई होता है, तो यहां से काई बराबर आ जाएगा म्यू बटे म्यू नॉट माइनस 1, आएगा नहीं आएगा, म्यू की वैल्यू 1.25 बटे 4000 और म्यू नॉट की वैल्यू 4π/10^-7 और माइनस के 1। अब सोल्व करना तो आपका काम है, काई बराबर आ रहा है 247.8, भाई यहां से सोल्व करेगा तो म्यू बटे म्यू नॉट आएगा और माइनस के 1 आएगा काई, अभी तो बताया था यहां से, और काई की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि म्यू की वैल्यू आ चुकी है, काई आ गया आई, आई बराबर क्या होता है एम अपॉन वी, या आई बराबर क्या होता है काई एच, क्योंकि ठीक है ना, चुंबकन आई एक तो क्या है कि आज मैंने लीड लगा रखी तो नीचे लीड पड़ी हुई है, अब पता चला कि इसमें पैर उलझ गया और गिर पड़े, और एक ये बुक हाथ में मेरे, तो एक हाथ में बुक का वजन है और एक को नीचे देखना पड़ रहा है, ब्लैक बोर्ड ध्यान है, आई बराबर क्या है काई एच, आई बराबर काई एच, तो काई की वैल्यू कितनी है 247.8×H=4000, तो भाई दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो यार 9.90×10^5 और मात्रा एम्पीयर बटे मीटर होता है इसका, ठीक है ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और है इसके, क्या हम यही बना दूं क्या, जगह है थोड़ी सी, तुम ज्यादा लड़ा नहीं आ ही जाएगा, यहां से ले लेते हो, देखो 5 cm × 1 cm × 0.5 cm की लोह चुंबकीय पदार्थ की एक छड़, यानी कि इससे आयतन निकल जाएगा लंबाई चौड़ाई गुणा क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है तो आयतन निकल जाएगा ना इससे, तो आयतन इधर देखना ये है एग्जाम्पल 5.8.11 आयतन v बराबर हो जाएगा 5×1×0.5 cm³
और यह रहेगा 525 2.5 गुणा 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलो, 10 की घात माइनस 6 मीटर क्यूब आयतन। सही है ना। चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र दे रखा है H, चुंबकन क्षेत्र H दे रखा है 10 की घात 4 एम्पीयर पर मीटर का। फिर चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है 10 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, एम्पीयर मीटर स्क्वायर गलत दे रखा है मात्र, किसमें एम्पीयर बटे मीटर स्क्वायर, तो उसमें चुंबकीय प्रेरण निकालना है बी। अब इधर देखो भाई कैसे निकलेगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बी बराबर, ठीक है ना, या हमने जो चालू किया था बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, ये चालू किया था ना, यहां से देखो बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, ये तो यहां से चालू किया था, हमको भी निकालना है। अब इधर देखो इसको मैं लिख सकता हूं कि म्यू नॉट कॉमन ले लिया एच प्लस आई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या म्यू नॉट एच आई को मैं लिख सकता हूं एम कॉमन लिख सकता हूं, तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है भाई, फॉर्मूला नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है सारे मान दे रखे म्यू नॉट एच एम और वी, वी ये रहा एच ये रहा एम ये रहा, तो सारे मान दे रखे वी निकल जाएगा क्या, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 pi बटा 10 की घात माइनस 7, एच की वैल्यू 10 की घात 4, एम की वैल्यू 10, वी की वैल्यू 2.5 बटा 10 की घात माइनस 6, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 यदि नहीं दिख रहा तो 2.5 बटे में 10 की घात माइनस 6 है, ठीक है, और तो बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी सॉल्व करने पर आपको 5.036 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, या टेस्ला वेबर बटे मीटर स्क्वायर, या फिर आप क्या बोलेंगे टेस्ला बोलेंगे, ठीक है। तो ये इधर दे रखे थे जो क्वेश्चन हो गए, एक न्यूमेरिकल मैं अभी और कराऊंगा आपको, ठीक है ना, फिर आज हम बात करेंगे इसको मैं मिटाई देता हूँ। आप सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए, क्या करिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, किताब में से पढ़ा, फिर आप पहले स्वयं करने की उसको कोशिश कीजिए, ये नहीं कि मैंने लिखा दिया आपने टीप दिया, जब तक आप स्वयं हाथ से नहीं करके देखेंगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तरीका फिजिक्स को पढ़ने का होता है कि सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़े ढंग से समझे, डेरिवेशन के सूत्र सब याद होने चाहिए, उसके बाद आप स्वयं प्रैक्टिस करके देखें। यदि आप स्वयं करके देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा, ठीक है ना, और आप मेरे साथ यहाँ से उतार के चले गए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पता ही नहीं पड़ेगा। यदि ये दिख नहीं रहा है तो ये रखा है 10 बटे 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 और ब्रैकेट बंद है, ठीक है ना, 10 बटे ये, तो ये थोड़ा सा ब्लैकबोर्ड कट रहा होगा इधर की तरफ आपको, ये हो गया है। अब मैं इसको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और आप लेते हैं, वैसे संशोधित सिलेबस भी आपका आ गया है, लेकिन संशोधित सिलेबस में जो फिजिक्स पे आया है उसमें ज़्यादा कुछ कटा ही नहीं है, ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कटा क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूँ, यदि आप समझदार हैं तो पहले चैप्टर में से क्या हटा है, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे भाई गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हटाइए तो जो चालक गोला है और गोलीय कोश है वो तो बात एक ही है, वो तो हम वैसे नहीं कराते हैं, गोलीय कोश और चालक गोला तो एक ही बात है, तो वो हटा दिया, वो तो हटाना क्या, वो तो वही बात है, और गोलीय कोश के कारण विभव हटा दिया, अरे तो गोलीय कोश और चालक गोले के कारण विभव एक ही तो बात है, वो हटा दिया, ओम का नियम हटा दिया लेकिन ओम की व्युत्पत्ति नहीं हटाई, तो भाई ओम के नियम की व्युत्पत्ति बिना ओम के नियम हो जाएगी क्या, प्रतिरोध हटा दिया, ठीक है ना, और प्रतिरोधों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, धारा के बारे में, इनके सबों के बारे में कैसे पढ़ेंगे, तो यानी कि ये बनाने वालों को ये पता नहीं कि क्या को हटाना है क्या नहीं हटाना है, ठीक है ना, तो फिजिक्स में ऐसा कुछ ज़्यादा हटानी है, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते जाइए, सब पढ़ना है, कुछ विशेष ही टॉपिक होंगे जो नहीं पढ़ने जो हटा दिए हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन है वो अलग से टॉपिक है, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा टाइम टाइम पर आता रहेगा, जैसे बस आप मेरे को सुनते जाइए।
क्वेश्चन मिल गया है एग्जाम्पल 8.6 इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। एग्जाम्पल 8.6 पेज नंबर है आपका 186। पृथ्वी के चुंबकत्व के ऊपर ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है BH और वो है 0.25 गाउस, और मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गाउस या टेस्ला होता है, CGS में गाउस होता है और 1 टेस्ला बराबर 10^4 गाउस होता है। तो ये गाउस को जब टेस्ला में बदलेंगे तो ये 0.25 गुणा 10^-4 होगा, क्योंकि 1 टेस्ला बराबर 10^4 गाउस होता है, तो गाउस को बदलने के लिए -4 से गुणा करेंगे। तथा गति कोण, गति कोण थीटा होता है वो 60 डिग्री हो गया है, ये आपको ध्यान है। तो ऊर्ध्व घटक का मान पूछ रहा है dB और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी पूछ रहा है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, इधर देखना BH दे रखा है, थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा से भी निकल जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है यहाँ आपने पढ़ा होगा BV अपॉन BH बराबर टेन थीटा होता है। तो यहाँ से BV बराबर हो जाएगा कितना, BV BH टेन थीटा हो जाएगा ना, तो वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर BV अपॉन BH, तो यहाँ से BV बराबर हो जाएगा BH टेन थीटा। BH की वैल्यू कितनी है 0.25 गुणा 10^-4 tan 60 कितना होता है √3, रख देता हूं मैं चलो, और √3 की वैल्यू 1.732, तो ये आ जाएगी बच्चा 0.433। इसमें गाउस यदि 10^-4 में निकलो तो गाउस ही आएगा, और ये आ रहा है गुणा 10^-4 टेस्ला, यदि तुम 10^4 में निकल देते हो तो ये गाउस भी चलेगा, फिर ये भी गाउस में चलेगा, ये भी गाउस में आएगा आंसर। अब हमको क्या निकालना है बी, इधर देखना बी क्या होता है, बी कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि यहां से अपन जानते हैं कि BH बराबर क्या होता है, इधर देखो, क्योंकि मैं जानता हूं BH बराबर होता है B cos थीटा, और ये तो बताया था मैंने, तो B बराबर क्या हो जाएगा BH upon cos थीटा। BH की वैल्यू कितनी है 0.25 × 10^-4 cos 60 की वैल्यू आधा, ये जाएगी तो 0.5 हो जाएगी, 0.5 × 10^-4 टेस्ला, दिख रहा है आपको 0.5 × 10^-4 टेस्ला, क्या लिख रखी है मैंने, ये 0.5 × 10^-4 टेस्ला लिख रखी है यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भाई मैं ऐसे भी कर सकता था, यहां से बी भी निकाल लिया, बी एच और बी भी निकल गए, तो बी निकालने के लिए बी बराबर √BH² + BV² वहां से भी आ जाता, वहां से भी ये आंसर आता। तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट यदि आप ले रहे हो तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको आज समझ में आया होगा, कल हम आगे बात करेंगे, 3-1 दिन का और ये चैप्टर रह रहा है, 1-2-3 3-3 दिन का रह रहा है ज़्यादातर, 1-2-3 दिन में या 4 दिन में इसको ख़त्म करा देंगे। धन्यवाद आज के लिए इतने काफ़ी, आप पढ़ें, ठीक है ना, मन लगाकर पढ़ाई करें, ढंग से पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है, धन्यवाद।